യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ അപ്തോ മേ സനത് Psalms number 75, 75 का एक और दो कोई पढ़ के मदद कर दीजिए. हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है. आमीन. हाँ पढ़िए. जब ठीक समय आएगा, सब लोग कहो जब ठीक समय आएगा. अंग्रेजी में लिखा है आई चोज द अपॉइंटेड टाइम. ये कौन कह रहे मालूम है? परमेश्वर कह रहे जब ठीक समय आएगा मैं तेरे लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. तेरा न्याय मैं कर चुकाने वाला परमेश्वर है. कभी करने वाला है अपना समय में नहीं है, परमेश्वर का ठीक समय में उन्होंने काम करने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर सब कुछ उनका समय में करने वाला परमेश्वर है. सब कुछ कभी होने वाला है, एक समय रखा है सभी बातों के लिए, एक नियत समय रखे, अपॉइंटेड टाइम रखा है. उसका चटो वजन पढ़िए वर्ड 6. प्रोग्रेस ना तो बढ़ोतरी उन्नति कहां से नहीं आते, ना पूर्व से ना पश्चिम से ना. हिंदी में लिखा जंगल की ओर से, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन लिखा नॉट फ्रॉम द साउथ. हालेलुया. एंड आई वांट टू रीड इट फ्रॉम एनआईवी इंग्लिश. इट्स रिटन समथिंग लाइक दैट. नो वन फ्रॉम द ईस्ट और द वेस्ट और फ्रॉम द डेसर्ट कैन एक्सल्ट ए मैन. एक आदमी को, एक व्यक्ति को, ए मैन है ना, एक व्यक्ति को ना दक्षिण से ना उत्तर से ना पश्चिम से ना पूर्व से कोई एक्साल्ट ना तो बढ़ोती दे नहीं पाऊंगा. फिर कौन बढ़ोती देने वाला है? हालेलुया. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको इधर से उधर से वहां से यहां से बढ़ोती नहीं मिलेगा. बढ़ोती मिलने के लिए एक ही जगह है. हालेलुया. जब उस जगह में हम पहुंचेगा, मैं अभी ये दोनों वजन को कनेक्ट करना चाहता हूं, प्रभु ने उचित समय में नियत समय में आपको बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है. बढ़ोतरी कभी मिलेगा? उचित समय में, नियत समय में. कहां से मिलेगा? हालेलुया. इसलिए फर्स्ट पीटर चैप्टर 5:6-7 समबडी रीड इट. पहले पत्रुस 5:6-7. इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथों का नीचे दीनता से रहो. हालेलुया. ही विल एक्साल्ट यू, ही विल लिफ्ट यू अप. उन्होंने आपको क्या करने वाला है? उचित समय में बढ़ाने वाला है, उचित समय में आपको उन्नति देने वाला है. इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दीनदा से परमेश्वर का हाथों का नीचे रहना पड़ेगा. हालेलुया. तुम्हें वेट करना पड़ेगा. एंड दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. और इंसान का आदत ऐसे होते, इंसान को इंतजार करना बहुत मुश्किल का बात है. हालेलुया. परमेश्वर हमें कहेगा इन नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ब्लेस यू. अगले साल मैं तुम्हें आशीषित करने वाला है. हम क्या कहेगा मालूम है? प्रभु ये साल आशीषित करो, आज का आज आशीषित करो. हालेलुया. प्रभु ने बोलेगा देखो तेरे लिए मैं एक अपॉइंटेड टाइम रखा है. कम ऑन चर्च, कितना लोग सुन रहे हैं मुझे? तेरा बढ़ोती के लिए, तेरा छुटकारा के लिए, तेरा आशीष के लिए मैंने एक नियत समय रखा है, अपॉइंटेड टाइम. हेलो, अपॉइंटेड टाइम है ना. डॉक्टर के ऑफिस में अब जाएगा, बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट. सही है ना? एक अपॉइंटमेंट लेते आप. हालेलुया.
कोई जगह में आप बिना अपॉइंटमेंट आपको काम होने वाला आन शार्प उस समय में आपको उधर पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। और कुछ जगहों में ऐसे होते हैं, इफ यू बिकम लेट योर अपॉइंटमेंट विल गेट कैंसल्ड, है ना। आपका अपॉइंटमेंट क्या होने वाला है? हेलो, परमेश्वर क्या कह रहे मालूम है? तेरा छुटकारा के लिए, तेरा उन्नति के लिए, तेरा बढ़ोतरी के लिए मैंने एक अपॉइंटेड टाइम रखा है, उस समय में मैं काम करने वाला है। हालेलुया। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कुछ और भी बातों में जल्दी बोल के देना चाहता हूं। अगर प्रभु ने आपका छुटकारा के लिए कुछ समय रखा तो इसका पीछे प्रभु का कुछ मकसद है। आज क्यों छुटकारा नहीं दिया? आज क्यों आपको इस्तेमाल नहीं किया? ना काफी सालों से आपसे शायद प्रार्थना करते होगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, गॉड यूज मी। प्रभु ने बोला आई एम गोइंग टू यूज यू आफ्टर 5 years। हम बहुत दुखी हो जाएंगे, प्रभु 5 साल बहुत लंबा समय है। हालेलुया। प्रभु ने बोलेगा देखो इस 5 साल के अंदर मैं काफी बातों तुम्हें सिखाना चाहता हूं, तुम्हें इस्तेमाल करके शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स, आई वॉन्ट टू ट्रेन यू बिफोर दैट। हालेलुया। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक एक तरह का ट्रेनिंग देना चाहता हूं। हालेलुया। इस्तेमाल करने से पहले प्रभु क्या करना चाहते है? हमें ट्रेन करना चाहते। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? दाऊद ने कहा परमेश्वर ने मेरा उंगलियों को लड़ाई के लिए क्या करते, तैयारी, He trained my, hallelujah, उन्होंने मेरा हाथों को, मेरा उंगलियों को लड़ाई के लिए अभ्यास करते, ट्रेनिंग देते। हालेलुया। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम माय डियर चर्च। अब मत सोचो मेरा समय अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रभु कुछ करना चाहता था आपका जिंदगी में, प्रभु आपका कुछ विषयों में, हालेलुया, एक छुटकारा देने से पहले प्रभु आपको ट्रेन करना चाहते था, प्रभु को सिखाना चाहते था। यू आर गोइंग थ्रू ए ट्रेनिंग इन योर लाइफ। सेवकाई में खड़ा होने से पहले, गवाही बोलने से पहले काफी समय प्रभु आपको क्या किया, हालेलुया, ट्रेनिंग दिया, आपको तैयारी कर रहे था। आप और परमेश्वर सिर्फ उस बंद कमरे के अंदर अब रो रो के प्रार्थना कर रहे था, देखने के लिए भी कोई भी नहीं था, अब गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे था, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं था आपके साथ में। आपने बोला मैं अकेला है, मैं बहुत अकेलापन अनुभव कर रहे। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? बेटा तेरा ट्रेनिंग हो रहे, एक दिन मैं तुम्हें बाहर लाने वाला है, एक दिन सबका सामने में तुम्हें खड़ा करने वाला है, एक दिन मैं तुम्हें गवाही बनाने वाला है। There is a day, there is an appointed time. एक समय है, एक नियत समय आपका जिंदगी में भी प्रभु आपका न्याय को हो पूरा करने के लिए। हालेलुया। क्या कहा? There is an appointed time. For everything there is an appointed time. मैंने कल कहा था it's very difficult to wait. It's very difficult to wait. परमेश्वर हमें कहेगा दौड़ा इंतजार करो, दौड़ा रुको, मैं करने वाला है, तेरा समय में नहीं, मेरा समय में। हालेलुया। क्यों मेरा समय में? क्योंकि उससे पहले मैं तेरा जिंदगी का काफी मंडलियों को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। उससे पहले मैं तुम्हें तैयारी करना चाहता हूं। एक कुमार जब मिट्टी से कुछ बनाएगा उस चक्र में रखे क्या करते, इसे घुमाते, कितना तेज ना वो चक्कर कितना तेज घूमते रहते हैं। हालेलुया। कितना देर तक घुमाना पड़ेगा? जब तक वो पूरा बन जाएगा तब तक क्या ना इस चक्कर को, दैट पीस ऑफ क्ले, एक कुवार का हाथ में होके वो रो रहे, क्या पूछ रहे बोले मुझे क्यों इतना घुमा रहे? अब भी शायद पूछा होगा परमेश्वर मेरा जिंदगी में क्यों ऐसे हो रहे, क्यों मुझे ऐसे घुमा रहे, क्यों मैं परेशानी मेरा जिंदगी में, क्यों मैं बीमारी मेरा जिंदगी में है? प्रभु ने क्या जवाब देगा मालूम है? अगर मैंने इसे नहीं घुमाएगा तो जैसे मैं मांगते वैसे तुम बनने वाला नहीं है। जब आप कुछ समस्या से गुजरेगा, when you are going through a crisis in your life, एक क्राइसिस कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा समस्या, आपने क्या कहेगा? मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस। शायद आपका जिंदगी आज का दिन में बहुत बड़ा क्राइसिस से गुजरते होगा। यू मे बी गोइंग थ्रू ए बिग क्राइसिस इन योर लाइफ।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया हालेलुया, एक क्राइसिस नहीं है, दिस इज नॉट अ क्राइसिस। कुछ दिन बाद में अब पीछे मुड़ के देखेगा, आपने खुद कहने वाला है एक क्राइसिस नहीं था, गॉड वॉज बिल्डिंग माई लाइफ, प्रभु मुझे बना देता, मेरे परिवार को बना देता, उनका मन का मर्जी के अनुसार वो जैसे चाहते वैसे मैं मुझे एक अच्छा खूबसूरत उनका मन भावना के अनुसार उनका कल्पना के अनुसार मुझे बना देता। हाथ में उन्होंने उठाएगा, उनका मन के अंदर एक कल्पना है। हालेलुया, कुमार का हाथ में जो मिट्टी है उस मिट्टी के बारे में कुमार को एक एक्सपेक्टेशन एक कल्पना है। क्या उन्होंने सोच के रखा है मालूम है, मुझे ऐसे एक बर्तन बनाना है। हालेलुया, जब तक वो बर्तन पूरा बन जाएगा तब तक हालेलुया एक चक्र को उन्होंने घुमाने वाला है। दैट्स नॉट ए क्राइसिस, दैट्स अ प्रोसेस। कितना लोग सुना, दैट्स नॉट ए क्राइसिस बट दैट्स अ प्रोसेस। गॉड इज बिल्डिंग योर लाइफ थ्रू दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस का द्वारा प्रभु ने आपका जिंदगी को क्या कर रहे, बना रहे। तो आप भी कुछ दिन बाद में मोट के देखे कहेगा, वो एक समस्या नहीं था मगर मेरा जिंदगी को प्रभु बनाने वाला एक अग्नि का एक आग का भट्टी था, उस आग का भट्टी में मुझे डाल दिया, नष्ट करने के लिए नहीं डाला मगर शुद्ध करके, जैसे सोना को शुद्ध करके बाहर लाते वैसे शुद्ध करके बाहर लाने के लिए उस जो परीक्षा उस जो हालेलुया और चुनौतियों मैंने सामना किया, दैट वॉज नॉट फॉर माई डिस्ट्रक्शन बट इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट। हालेलुया, मुझे बनाने के लिए, मुझे तैयारी करने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए था। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का बच्चो, आज सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको ही कह रहे, जो समस्या से आज आप गुजर रहे इज नॉट टू फिनिश यू, आपको खत्म करने के लिए नहीं है। कुछ लोग मुंह खोल के कहो मुझे खत्म करने के लिए नहीं है, प्रभु मुझे बना रहे। कम ऑन चर्च, आई वांट टू हियर इट, हालेलुया। मुंह खोल के कहो प्रभु मुझे बना रहे, मेरा जिंदगी क्यों बना रहे। There is an appointed time. मेरे लिए प्रभु ने एक नियत समय रखा है, उन्होंने उठाने वाला है, उन्होंने मुझे हालेलुया। अभी मैं गुप्त में रहने वाला है, अभी मैं अंधेरे में रहने वाला है, लेकिन मेरा जिंदगी में प्रभु ने ऐसे दिन रखा है, मुझे उजाला में बाहर लाने वाला है। यहोवा परमेश्वर मेरा न्याय कर चुकाने वाला है। मीका चैप्टर 7 कोई ऊंचा वर्ष में पढ़िए, मीका 7:7 से, परंतु मैं यहोवा का ओर, कैन समबडी से दैट, अंग्रेजी में क्या लिखे, आई विल वेट फॉर लॉर्ड। हेलो, मेरा उद्धार के लिए, मेरा छुटकारा के लिए आई विल वेट फॉर लॉर्ड। द क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू कैन वेट। हेलो, मीका क्या बोला मालूम है, मैं मेरा परमेश्वर से फॉर अ डिलीवरेंस, सर्वेशन करके अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है उसका एक्सट इन द ओल्ड टेस्टमेंट कॉन्टेस्ट, उसका मीनिंग जुना नियम का पश्चात में इसका अर्थ होते, मेरा छुटकारा के लिए मैं परमेश्वर की ओर क्या करेगा, ताकता रहूंगा, मैं रुकेगा, मैं इंतजार करेगा। कितना दिन रुकेगा, मैं बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हेलो, हाँ आगे पढ़िए सिस्टर। हे मेरे भाईरी, मेरा दुश्मनों चारों तरफ खड़ा है, मेरा नुकसान, मेरा नष्ट, मेरा अंत देखने के लिए हालेलुया, ओ मेरा चारों तरफ मेरा शत्रुओं खड़ा है, मेरे भाईरियों का बीच में है, जहां मैं गिर पड़ा है उधर पड़ा होके मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, उनके लिए बात जो होता रहूंगा। आई विल वेट फॉर हिम। शत्रु क्या देखना चाहते है, आपका अंध नष्ट, बट मैं क्या कह देगा, मैं परमेश्वर को और हाल मेरा दृष्टि लगा के मैं इंतजार करेगा। आई विल वेट हाउ लॉन्ग। मैं कल ऐसा कहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर चर्च, धीरज, क्या ना सब लोग कहो धीरज। परमेश्वर से कोई भी वायदा को प्राप्त करने के लिए आपके पास धीरज होना जरूरी है। Without patience, you will not get anything from God.
परमेश्वर ने बोला कि देखो मेरा एक समय रखा है, मैं समय से पहले भी पहले कुछ भी करने वाला, यीशु समय से पहले कुछ भी करने वाला नहीं है। अब यूहन्ना का सुसमाचार जरा पढ़ के देखो, जब समय आया उन्होंने किया, हाँ जब समय आया उन्होंने तारीख के रखा था, इस तारीख को मैं इस व्यक्ति को चुने वाला है, हालेलुया, इस तारीख को मैं चुने वाला है। और उस तारीख को कैसे चुने वाला है, प्रभु सारे प्लानिंग पहले ही करके, हाँ उस तारीख को प्रभु आपको लेके जाएगा उस कलीसिया में, उस तारीख को उस कलीसिया में उस पास्टर आएगा आपको हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए। पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने सबसे पहले ही यह सब प्लानिंग बना कर रखा था, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बाय हिम। हेलो, आपके लिए भी एक नियत समय रखा है, उचित समय रखा है। हाँ, पढ़िए सिस्टर आ गई। हे मेरे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर, कितना लोगों समझ में आया, मैं गिरा हुआ व्यक्ति है, मैं सिरो बन के आए, मैं ग्राउंड सिरो में मैं गिर पड़ा है, there but there is a day I am going to rise up। हेलो, उम्मीद का शब्द हम आपका अंदर से आने दो ना, निराशा का बातों नहीं है, नकारात्मक बातों नहीं है, अंदर से ऐसे कहो मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ में है, उन्होंने नियत समय में काम करने वाला है, He is having an appointed time to fulfill each and every promises in my life। Everybody pray, my dear church, God is going to deal with your issue। आपका इश्यू के साथ में प्रभु कार्य करने वाला है। एक मीहा का है, क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक the kind of halal faith he is having in God, unka dil ke andar kya vishwas hai unko, wo kya kar rahe hain, main abhi kaise, main abhi gir pada hai, main andhere mein, to bhi ek din mera zindagi mein aayega, main bahar aayega, main khada rahega, abhi main andhere mein lekin main ujjale mein aane wala ek din hai, प्रभु मेरा ऊपर चमकने वाला, हालेलुया, ओ हालेलुया, ज्योति चमकने वाला एक दिन मेरा जिंदगी में है। आज का हालात गुप्त में बैठे, अंधेरा में बैठे, बंद कमरे में बैठा है, लेकिन प्रभु आत्मा बोल रहे एक दिन तो मंच में खड़ा रहने वाला है, तो गवाही बोलने वाला है, स्पॉटलाइट आपके ऊपर गिरने वाला है। कम ऑन चर्च, कितना लोगों को समझ में आया, अभी तुम स्पॉटलाइट में नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, अभी तुम अंधेरे में बैठा है, लेकिन तेरा एक दिन आने वाला है, यू विल बी देयर इन द स्पॉटलाइट, ज्योति उज्याला तेरे ऊपर चमकेगा, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, मीघा ने कहा मैं बाहर आने वाला है, मैं इसके लिए परमेश्वर के लिए क्या करेगा, बात जो होते रहेगा, कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, वेट वेट, वन डे ही विल कम टू योर लाइफ, वन डे ही विल कम टू टच योर लाइफ, चेंज योर लाइफ, मोल्ड योर लाइफ, मॉडिफाई योर लाइफ, आपका जिंदगी को बनाने के लिए एक दिन उन्होंने आपको चुने वाला है, नियत समय में चुने वाला है। काफी बातों बोलने के लिए मेरे मन के अंदर है, जल्दी में एक दो और भी वचनों बता के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता, कृपा करके सभा उपदेशक का पुस्तक में अपना ध्यान लाइए, सभा उपदेशक का पुस्तक उसका तीसरा अध्याय का 11 वचन, उसने सब कुछ ऐसे बनाया अपने अपने समय पर, बहुत ब्यूटीफुल बनाया, ही डू एवरीथिंग इन हिज टाइम ब्यूटीफुली। अब कहो मेरा जिंदगी में भी सही समय में एक हल अद्भुत कार्य प्रभु करेगा, मेरा आज का अवस्था बदलेगा, उचित समय में उन्होंने मुझे उठाने वाला है, ना पूर्व से ना पश्चिम से ना दक्षिण से मेरा छुटकारा आने वाला है। हेलो, कहां कहां हम भागा था, हम कौन सा दरवाजा मैं खटखटाया था, हेलो, इधर उधर, हालेलुया,
कहां कहां हम भागा था, लेकिन हालेलुया जब हर दरवाजा बंद रहता था तभी एक द्वार अपने लिए खोल के मिला। उन्होंने हमें कहा तुम इधर उधर मत भागो, जो भोज उड़ाने वाला मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देने वाला है। आई विल गिव यू रेस्ट। पूर्व में, पश्चिम में, सब जगह में घूम के आया व्यक्ति को यीशु बोल रहे मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हें विश्राम देने वाला है, मैं तेरा सिंगों को ऊंचा उठाने वाला है, अभी जो सिर झुका के बैठा हुआ लोगों को मैं खड़ा करने वाला है। अब चिंता मत करो ना, प्रोकात्मा आपको ही बोल रहे, यीशु का हाथ पकड़ा कोई भी निराशित ना हुआ है, यीशु का हाथ पकड़ा कोई भी हालेलुया नष्ट ना हुआ है। हालेलुया, एक इंसान का वायदा नहीं है, इंसान आपको गारंटी दे नहीं पाऊंगा। कितना भी अच्छा कंपनी हो, गारंटी दिया, वारंटी दिया, कंपनी बंद हो गई तो आपको कहां से गारंटी मिलेगा? लेकिन जो गारंटी दे रहे वो ऐसे कोई दे रहे जिन्होंने हमेशा के लिए जिंदा है, जिन्होंने जीवित है, उसका अंत होता नहीं है, अलाइव फॉर एवर। हालेलुया, उन्होंने कह रहे मैं तेरा जिंदगी का सुधारने वाला है, एक इंसान नहीं है। हेलो, आपको कोई इंसान कहा मैं तुम्हें मदद करेगा, कल उठ के उसका हार्ट अटैक हो गया तो हम क्या कहे, अरे मुझे मदद करने वाला का हालात भी मेरा कारण से शायद वो चला गया होगा। सही है ना, समटाइम इट यूज टू हैपन इन दैट वे। हमें जो मदद करने के लिए तैयार था उनको भी क्या हो गया, अपने से ज्यादा समस्या आ गया। फिर हम सोचे अरे किसको ऊपर भी भरोसा रख पाऊंगा मैं, बोलेगा देखो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा का और भागो मत, भरोसा रखने के लिए हालेलुया एक ही जगह है। मैं कहना चाहता सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम, ओनली वन प्लेस एंड दैट विंडो इज ओपन फॉर ऑलवेज। इफ यू नॉक देयर ही इज रेडी टू ओपन फॉर यू, के लिए खोलने के लिए तैयार है, सिंगल विंडो सिस्टम है। हालेलुया, जिनमें क्या लिखा है मालूम, आकाश का नीचे धरती के ऊपर उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए एक ही नाम, देयर इज ओनली वन नेम, द नेम अबव ऑल नेम्स। सारे नामों से ऊंचा नाम, सारे नामों से श्रेष्ठ नाम, यीशु का नाम। नियत समय में तुम्हें उठाने वाला है। जो अंधेरा में बैठा है लोगों को प्रोकात्मा बोल रहे चिंता मत करो, कुवार का हाथ में तुम्हें प्रभु बना रहे, उनका मन भावना के अनुसार बना रहे ना। एशिया 49 में इसे लिखा है, एशिया 49 में, आई विल शार्पन यू, तुमको इसे तीर जैसे बनाने वाले एकदम शार्प। फिर बना के कहां रखेगा, आई विल हाइड यू, क्या लिखा है, आई विल हाइड यू इन माई क्यूअर। हालेलुया, चमकीला तीर का जैसे मुझे बनाया और तर्कस में गुप्त रखा। मेरा सवाल, इतना चमकीला तीर बनाया तो प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल करता नहीं? काफी लोग ऐसे पूछते, लॉर्ड यू मेड बी सच अ शार्प आरो, एकदम चमकीला तीर जैसे मुझे बनाया, फिर मुझे क्यों इस्तेमाल करता नहीं है? तो उन्हें बोलेगा देखो मैं तुम्हें गुप्त में रखा है। कहां रखा है? मेरा तर्कस में रखा है। क्यों रखा है? हेलो, आप ऐसे कहते प्रभु जी मेरे बात में विश्वास में आए वो लोग अभी बहुत आगे चला गया, मुझको अभी भी आप कहां रखा है? प्रभु क्या कहेगा मालूम है, बेटा मैं तुम्हें गुप्त में रखा है, मैं तुम्हें गुप्त में रखा है, तुम्हें बाहर निकालने वाला एक दिन है, एक दिन मेरा तर्कस से मैं तुम्हें खींच के बाहर निकालने वाला है। And I'm going to shoot you. Hallelujah. मैं तुम्हें क्या करने वाला है? Hallelujah. एक दिन आएगा, तेरा एक दिन आएगा। सब लोग कहो मेरा भी एक दिवस आने वाला है, मेरा भी एक दिन आने वाला है। परमेश्वर के तर्कस के अंदर गुप्त में रखा मुझे बाहर लाने वाला एक दिन आने वाला है, मुझे इस्तेमाल करने वाला एक दिन आने वाला है। हालेलुया, देयर इज एन अपॉइंटेड टाइम, मेरे बढ़ोतरी का एक दिन आने वाला है। हालेलुया, एवरीबॉडी से ओ मेरा एक दिन आने वाला है, मेरा अवस्था बदलने वाला है, यीशु मेरा जिंदगी में कार्य करने वाला है। वन डे देयर आई विल बी एट द स्पॉटलाइट, उनका ज्योति मेरे ऊपर चमकने वाला है।
लास्ट फ्यू वीक्स इन प्रोकार पर मुझे बार बार उसी वजन दे रहे राइज एंड शाइन योर लाइट हैज कम उस जगह में आप ऐसे लाइट को बदल कर डे लिखो और कहो योर डे हैज कम Arise and shine, your day has come. Oh, hallelujah. Utho, khade ho jao, tera samay aa gaya hai. Vyaktigat roop mein aap har vyakti ko main kaha ke dena chahta hu, your time has come. Your day has come. Your day of deliverance, your day of miracle. Aapka chamatkar ka, aapka chutkara ka samay aa chuka hai. Hallelujah. You are almost there. आप अभी तक जाना नहीं है. क्या होता है मालूम है? टू अचीव टू गेट एनी काइंड ऑफ प्रोमिसेस टू गेट फुलफिल्ड इन अवर लाइफ वी नीड पेशियंस. हमें क्या चाहिए? सब कलीसिया का कहना चाहता हमें क्या चाहिए? धीरज टूट जाना नहीं है. इसलिए यशा 40 में लिखा यहोवा का बात जो होते रहने वाला क्या करेगा Those who wait for Lord, they will renew their strength. यहोवा का बाट जो होता रहने वाला उसका बल को नया करेगा. हेलो, कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? जैसे इंतजार बढ़ते रहेगा हमें तक जाने का चांस है, लेकिन यहोवा का बाट जो होते रहने वाला वो तक जाने वाला नहीं है, वो उकाब का जैसे उसका बल को नया करने वाला है. इसका जैसे आशिया ने कहा Like an eagle, hallelujah. Like an eagle, I'm going to renew my strength. Like an eagle, कुछ लोग कहो मैं उकाब का जैसे मेरे बल को मैं नया करेगा. I'm going to renew my strength like an eagle, hallelujah. I'm going to fight back. कुछ लोग कहो मुझे 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, लेकिन उसी जवानी मेरा अंदर है. शायद मेरा बाल दौड़ा दौड़ा सफेद हो गया होगा, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा का बल है उसको कोई भी कमजोर नहीं कर पाऊंगा. मेरे अंदर जो अभिषेक है दुनिया का कोई भी ताकत उसको हालेलुया कमजोर नहीं कर पाऊंगा. आई विल रिन्यू माई स्ट्रेंथ एंड आई एम गोइंग टू फाइट बैक. कुछ लोगों को प्रोकात्मा बोल रहे डू नॉट कंसिडर योर एज. योर ब्लेसिंग्स आर नॉट डिपेंडेड ऑन योर एज. Your blessings are dependent on God's provision. Can you believe it? Hallelujah. कितना लोग विश्वास करेगा? मेरा आशीष मेरा उम्र के ऊपर नहीं है, मेरा आशीष मेरा ताकत के ऊपर नहीं है, मेरा आशीष मेरा बुद्धि के ऊपर नहीं है, मेरा आशीष परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर उनका द्वारा होने वाला है. मेरा श्रोता माई रिसोर्सेस मेरा श्रोता दुनिया का श्रोता नहीं है. मेरा श्रोता कौन है? He is my fountain. परमेश्वर कितना लोग विश्वास करेगा? अगर परमेश्वर आपका श्रोता है तो इस उम्र में भी God will give you the strength to fight back. God will give you the strength to fight back. हालेलुया, प्रभु ने आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा. ओ हालेलुया, विक्टरी द नेम ऑफ जीसस. आपने क्या कहा? बात जोते रहो. You're almost there. धोखा नहीं होने वाला है. निश्चय परमेश्वर आपका विषय में एक अद्भुत करने वाला है. फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम. सब कामों के लिए एक नियत समय रखा है. हालेलुया.